खबर बिहार शरीफ से है, जहां पर मुहर्रम पर्व के दूसरे दिन बिहार शरीफ में दर्जनों मोहल्ले से नौबत खाना और ताजिया जुलूस निकाली जाती है। अगर इस बार महज 3 मोहल्लों से ही जुलूस निकाली, वो भी गली से निकलकर सड़क पर आकर खत्म हो गया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से जुलूस पर नजर बनाकर रखा गया था। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और SP स्वयं घूम घूम कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिया था उन्हें जुलूस निकालने का परमिशन दिया गया है, मगर जिन लोगों ने परमिशन नहीं लिया है वह जुलूस नहीं निकाल रहे। नियम का उल्लंघन करने वालों या अफवाह फैलाने वालों को किसी प्रकार बख्शा नहीं जाएगा। नालंदा से अन्नू कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। शासन के दबाव में तो नहीं निकाला गया है, लोगों ने स्वतः निकाला है और कई जगहों पर निकला है। अभी हम लोग बैगनाबाद देख करके आ रहे हैं, छज्जू मोहल्ले में भी निकला है, यहाँ शिखाना में भी निकला है। लोग अपने उत्साह से मना रहे हैं और अच्छी बात है कि जो गाइडलाइंस दिया गया था उसके अंतर्गत में मना रहे हैं। सुरक्षा क्या इंतजाम है सर? पुलिस प्रशासन पूरी तरह हम लोग हर पॉइंट पर लगाए हैं और जितने भी जुलूस निकल रहे हैं सबके साथ भी टुकड़ियाँ लगाई गई हैं, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। सर, सद्भावना मार्ग से जो जुलूस निकाला जा रहा था इस बार नहीं देखने को मिला है, आखिर मोहल्ले में ही क्यों घूम रहे हैं? लोगों ने निर्णय लिया है कि जुलूस को बड़ा रूप न दे करके अपने अपने मोहल्ले में लोग का जीवन का समापन करा रहे हैं, तो उनका निर्णय है और जो हम लोगों ने गाइडलाइंस दिया था उसके अंतर्गत ही लोग निकाल रहे हैं, अच्छी बात है कि हर जगह हम लोगों ने सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। लोकल पुलिस है, BSAP की कंपनी है और पैरामिलिट्री फोर्स है, RAF है, सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग लगातार भ्रमणशील और पूरी व्यवस्था थी। हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ जुलूस सद्भावना मार्च पर आएंगे, लेकिन नहीं आए। लोगों ने फैसला किया है कि वो लोग लोकल लेवल पर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग मिर्दाद में देख रहे थे, बैगनाबाद में भी है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, छज्जू मोहल्ला में है, तो लोग लोकल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका निर्णय है तो उनके निर्णय के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। कितना लाइसेंस लिया था सर? अभी कल रात तक 3 आवेदन आए थे, फिर एक और आवेदन आया था, लेकिन जिन्होंने लाइसेंस लिया भी है वो भी लोकल लेवल पे ही अपना निकाल रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, और यदि कहीं नियम का